स्किन पे किसी भी तरीके के स्कार्स हों, पुराने से पुराने स्कार्स हों, छोटी माता के दाग हों, बड़ी माता के दाग हों, या फिर स्किन अनइवन हो गई हो, या फिर आपकी स्किन सनबर्न से अनइवन हो गई हो, कोई भी शरीर पे बॉडी पे कोई भी मार्क है, तो उसके लिए ये होम रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। ना सिर्फ ये उसके ऊपर काम करती है, बल्कि अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है, कभी कभी बॉडी में छोटा मोटा पेन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, तो ये मल्टीपर्पज़ आप इसे नाइट क्रीम कह सकते हैं, आप इसे मल्टीपर्पज़ ऑयल भी कह सकते हैं, और आप इसे बाम भी कह सकते हैं। ये जो आपकी मल्टीपर्पज़ क्रीम है बनके तैयार है, आप इसे रात को यूज़ कीजिए और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही इफेक्टिव है। आपके सर में दर्द है या फिर आपकी बॉडी में पेन है, नींद नहीं आती है, टेंशन है, ये उन सब को भी रिमूव करता है। साथ ही साथ चेचक जैसे बहुत ही हार्ड जो हमारे मार्क शरीर पे पड़ जाते हैं, किसी किसी के जो माता निकल आती हैं, तो माता निकलने के बाद बड़ी माता के जो स्टेन रहते हैं, स्कार्स रहते हैं, वो बहुत ही डीप रहते हैं, ये इवन उन्हें भी ख़त्म करने का काम करती है। आप इसे एक बार बनाइए, लगाइए और इसका रिजल्ट देखिए, इसे किस प्रकार से बनाया। सिर्फ दो चीज़ों से बनी हुई क्रीम आपके बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, फ्रोलिक स्टेज पे मैं संगीता कटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि चेचक के दाग यानी कि बड़ी माता या छोटी माता के जो दाग पड़ जाते हैं उन्हें किस तरीके से रिमूव किया जाए। मैं आज आपके लिए एक होम रेमेडी लेके आई हूँ। सिर्फ दो चीज़ों से आप जो है मतलब स्किन जो रहती है अनइवन स्किन है या कोई भी स्पॉट है या दाग है धब्बे है, बड़ी माता यानी कि चेचक के जो स्पॉट रहते हैं वो तो काफ़ी डीप स्पॉट रहते हैं, गाढ़े स्पॉट रहते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर एक खड्डे पड़ जाते हैं। अगर आप इस रेमेडी को बना के यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो खड्डे फिल होके और स्किन जो है बिल्कुल नॉर्मल कलर में ही वापस आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और एक बार बना के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल, आपको बिल्कुल शुद्ध नारियल का तेल लेना है, कोई भी ब्रांड का कोई भी कंपनी का लीजिए, लेकिन एडिबल ऑयल जो रहता है वो आपको लेना है। जिस भी बॉटल में आपने ये क्रीम, ये एक तरह की नाइट क्रीम आपकी बनके तैयार होगी, जिस भी बॉटल में आपने क्रीम को सेट करना है उसमें तेल को मेल्ट करके डाल दीजिएगा। अगर समर है तो ये वैसे ही पिघला हुआ रहता है। ये है कपूर का तेल। अगर आपको इनके इस कपूर का तेल नहीं मिलता है, कपूर का तेल वैसे तो इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मार्केट में। एक चम्मच हमने ये लेना है कपूर का तेल। कपूर और नारियल जब आपस में मिल जाते हैं यानी कि कपूर का ऑयल प्लस नारियल ऑयल, तो ये जो है इतना पावरफुल रेमेडी आपकी तैयार हो जाती है कि आपके स्किन के कोई भी दाग धब्बे को रिमूव कर सकती है। आपने इसको इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अगर समर है तो आप इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये पूरी तरह से जम के एक क्रीम के फॉर्म में हमें मिल जाए। इनकेस आपको अगर ये कपूर का तेल या कैम्फर ऑयल आपको अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे कपूर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कपूर जो है वो टिक्की वाला नहीं लेना है, इस तरीके की फॉर्म में जो कपूर मार्केट में मिलता है ये कोई भी पूजा की शॉप से आपको मिल जाएगा, या आप उन्हें डिमांड करेंगे कि हमें इस तरीके का असली कपूर चाहिए। ये एक्चुअली असली कपूर रहता है, जो टिक्की या टैबलेट फॉर्म में मार्केट में कपूर मिल रहा है वो असली नहीं है, उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने अगर कपूर यूज़ करना है तो इसे लेके इसे बिल्कुल बारीक पीस के उसे भी तेल में मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो है नाइट क्रीम बनके तैयार हो गई है। आपके घर में जिसके भी ये चेचक के दाग हैं या आप में टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, ये सिर्फ आपके दाग धब्बे ही दूर नहीं करता स्किन के, बल्कि टेंशन वगैरह रहती है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी है। आप इस क्रीम को रात को पूरी बॉडी पे मसाज करके सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी, टेंशन को रिमूव करेगा और स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगी, इवन हो जाएगी, और जो आपके चेचक के दाग हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल दाग जो बड़ी माता जिनके निकल आती है, ये अजमाया हुआ नुस्खा है, बड़ी माता जिनके भी निकल आती है उनके
बहुत ब्लैक ब्लैक स्पॉट, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे दाने हो जाते हैं ब्लैक कलर के, वो सब धीरे धीरे इसे यूज करने से कम आप इसको 40 डेज तक करके चलिएगा। मान के कि 40 डेज आपने इसे पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है, क्योंकि माता जब निकलती है तो पूरी बॉडी ही कवर करती है, तो पूरी बॉडी पे, सिर पे पूरा मसाज करनी है आपने इसकी, अच्छे से मसाज करके आपने सोना है। और मॉर्निंग में आप जैसे बाथ लेते हैं वो बाथ लेना है, तो आप इस रेमेडी को जरूर से यूज कीजिएगा। माता के दाग हैं या नहीं है आप इसे यूज करके देखिए, फिर इसका रिजल्ट देखिएगा और कमेंट सेक्शन में इस रेमेडी का जो रिजल्ट आपको फील हो वो बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और भी आपकी जो क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।